बाबू जी आज तो परहेजी खाना प्लीज। पाए मुंह माए रॉकेट से सीधा जहन्नुम जाएगा। बाबू जी अभी आप दलिया खाएंगे और दोपहर में सिर्फ खिचड़ी मिलेगी। तूने कॉलेज नहीं जाना आज? नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं खाला अम्मी। सारी रात बैठी जाग दी रही है कमरे च, तबीयत खराब होनी। एक तो मुझे आप नाना दोती की समझ नहीं आती। मैं तेरे इसी क्या है नू जागना अस्त्रे। भाजी सलाम अलैकुम जी, वो लैंडलाइन पे फोन आया जी। आप किधर? वो जय कुमार जी। की कहना? जय कुमार नहीं, वो खानदानी ज्वेलर, वो बात करना चाह रहे हैं आपसे। उन्हों मेरी याद क्यों आ गई? वो बाबूजी मेरी दोस्त है ना सोफिया, मैं उसके साथ गई थी, उसको मेरा ब्रेसलेट पसंद आ गया था तो मैं कर लेती हूँ बात, आ बैठे। है? ये कब गई है सोफिया के साथ जय कुमार के पास? वो मैं लेके गया था कॉलेज से वापसी पे लास्ट वीक। ओ भाई ये पूछ पड़ताल बाद में कर लेना, भूखे को भी पूछ लो, जान ही निकल रही है भूख से, तो लाओ वो गोभी गोश्त। सुना करो जी, वैसे आज तक मैं भूखे आदमी की मरी हुई लाश नहीं देखी। तुम कहाँ जा रहे हो? नाश्ता करके जा। बहुत बड़ा ऑर्डर आया है दुकान पे नमक पारो और बूंदी का। ओए एक डब्बा बूंदियां दे भिजवा दे घर। लो जी 2 साल हो गए मैं जलील दे खत्म से खा दिया। अच्छा जी। हाँ जी बाबू जी, अपनी रिपोर्टें देखी आपने? हाँ देखी ने, सारी दुनिया ने देख लिया ने हूं से। तारे आज के नामदार ने सब कुछ दिखा देता, सारा कुछ, छोटे पेट अला बड़ा मिरासी। मिरासी? जूस डालना बंद करो, मैं क्या नाश्ते से ना ही समझूं? किधर है गोभी गोश्त? थोड़ा सबर ही कर लेता बंदा, ला रही हूं। वो सबर दे दे प्यो ने नहीं थी किता, एक दिन पहले ही आ गया जी बारात लेके, मेरी बहन नु ले गया। सियालकोट से कराची आने में टाइम लगता है मामा जी? हाँ जी 1 साल पहले आना, बट फिर इतने रहना पैंदा। आपके मुंह को ही किया था जी, वरना उम्र में तो बड़ी थी मुझसे। और तेरे मुंह नु देख के तो कोई फिटे मुंह भी नहीं करना। मैं वही अपनी बीएड कुड़ी का रिश्ता दे देता तेनू। ना ना आप ये दलिया ना खाए, ये ना आपके दिमाग को चढ़ रहा है। उस्तानी इफ्फत आशिक हुसैन ले आओ नाश्ता, या आज ही बेवा होने का इरादा है? अंकल मैं आपसे पैसे ले जाऊंगी, आप प्लीज दोबारा कॉल मत कीजिएगा। जी ठीक है। समझा कर आती उसको अपनी जुबान में? मेरी जुबान कम ही लोगों को समझ आती है। मुझे क्यों एटीट्यूड दिखा रही हो? तुम इंसानियत नाम की चीज है? तुम समझ रही हो कि जो मैं समझ रही हूँ ना वो 100% राइट है? इट्स नॉट फेयर। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूँ, बस 2 दिन का टाइम मांग लेना एजेंट से। ना ना भेजता हूँ तुम्हारे पैसे। इतना पैसा दे लानत भेजी जा रही है। कुछ नहीं बाबूजी। वो बाबूजी मोबाइल मंगवाया था इससे, ये उसके पैसे ही नहीं ले रहा। तो तू क्यों पैसे दे रही है पुत्र? 50,550 रुपए तनख्वाह देना मैनू हर महीने, क्या आप लेके देर लगला? मेरा गैरतमंद पुत्र है और जिंदा रहे मेरा शेर। इस सारे किस्से में गैरत कहां से आ गई बाबूजी? पुत्र है कटिया ते नीच खानदान वाले लोग तियां को पैसे मंगते ने। I like your attitude। वो बाबूजी आप रॉकेट को जरा फोन मिलाएं, मुझे लेके जाना था। मकान नंबर याद है ना? 15 नंबर। ठीक है जाओ। बशीरे जी सर। अंदर आके बात सुन। गौर से देख जरा मेरी शक्ल को।
शायद आप ऐसा करें, नाक की प्लास्टिक सर्जरी करा लें। शीशा लगा हुआ है ना, पकड़ के तेरा सर मारूंगा इस पे, फिर करवाता रही सर्जरी। अच्छा तो फिर बताए ना, पूछा क्यों? देख के बता जरा कि मैं शक्ल से गैर खानदानी, चीप और गिरा हुआ लगता हूँ। सर आप तो ना बहुत ही बाबरकत और पाकीज़ा शक्ल सूरत के मालिक हैं, माशाल्लाह। कम से कम बंदा झूठ तो ऐसे बोले कि यकीन आ जाए। दबाओ यहाँ से। रॉकेट कहाँ फंस गया है? आया क्यों नहीं अभी तक? कैसे हैं बाबूजी? बहुत बढ़िया। भुख लगी थी बेचारे नु, मैं क्या इत्थे ही फड़का ले। मुझे नजर आ रहा है कौन फड़का रहा था। वो आपने कहीं जाना था ना? शायद। शायद नहीं, यकीनन। उठो, अंकल जय कुमार की शॉप पे जाना है मुझे। ए बर्तन भी चुकला थे लेके जाओ, नहीं तो सारे घर वाले मेरे ते शक करन गए हैं मैं। बाऊजी जब आपकी तबीयत खराब होगी ना, सबको वैसे ही पता चल जाए। आ जाओ रॉकेट। जी जी आया, मैं आया। मैं तेरा साह पी जावांगा जे किसी ने दसिया के बाऊजी ने अद्धे पावे खड़का ले। भरोसा रखे, गुलाब जामुनों का मैंने बताया आज तक किसी को। कहता थे ठीक है। दो मजे हैं जनाब। तो पहले ही पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा, ऊपर से आपने ये पेपर मैरिज का नया पंगा लाके खड़ा कर दिया। इस तरीके कार में 100% जेन्युइन काम होता है। वासु साहब, वासिम नाम है मेरा भाई। वही देखें, लड़की के पास कनाडा की नेशनलिटी है। इधर आपके रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई, उधर वो कौन और आप कौन। चले आप ऐसा करें कि 9 लाख रुपए आप अभी दे दे और 9 लाख रुपए वीजा लगने के बाद। हो गई तसल्ली अब आपकी? करता हूं कुछ बंदोबस्त, बस जरा जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि 2 दिन के बाद वो लड़की पाकिस्तान आ रही है। अगर आपकी तरफ से जवाब नहीं मिला ना, तो दूसरी पार्टी तैयार बैठी है मेरे पास। गोरी है क्या? अरे गोरी नहीं है, यही पाकिस्तानी है, पर रुलती फिरती थी, इधर उधर शादी हो गई, बाहर चली गई, शोर 2 नंबर निकला, अब बस इसी काम से गुजारा करती है। मेरे साथ तो नहीं कर देगी ना 2 नंबरी? अरे भाई आपके साथ कोई 2 नंबरी नहीं होगी, बस आप वलीमे की तैयारी कीजिए क्योंकि अब एम्बेसी में तस्वीरें और फिल्म वीडियो देनी पड़ती है। और सुने, शादी सिर्फ कागजी होगी। लेकिन कैसे होगा सब इतना जल्दी? अब देखिए ये सब है आपका प्रॉब्लम, आप जल्दी कर लीजिए वरना दूसरी पार्टी 2 दिन के बाद वलीमे की तकरीब करने को तैयार थी। अब जैसे मर्जी आपकी, आप देख लीजिए और जवाब मुझे जल्दी दे दीजिएगा। मैं चलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।
बस ये ले लक्ष्मी, बेलाबाजी ने दिए पूरे 7 लाख रुपए। कह रही है 2 लाख रुपए अपने पल्ले से जोड़ के एजेंट को दे देना। ये एजेंट तो पेपर मैरिज का प्लान दे रहा है मुझे। तो फौरन कबूल कर ले। तूने ये पैसे कैसे कबूल किए अपनी बेलाबाजी से मेरी इजाजत के बगैर? बस हम तो नौकर हैं, ये सवाल फिर उसके जवाब ये सब जचता नहीं है हमको। तेरी शक्ल भी नहीं जचती मुझे। चल बैठ के रजा साहब का बिल बना, घर से होकर आता हूँ। बेटे मठियाई पे नजर रख, मठियाई वाले पे नहीं। ओके सर। बतीत औलाद से ना बे औलाद होना ही बेहतर है। आप तो कर लेंगे हेरा फेरी, बाबूजी मेरी गर्दन पे अंगूठा रख के लेते हैं हिसाब किताब। बशीर स्लो मोशन, जाके कोई यख बस्ता ना, ठंडी कोई सोडे की बोतल लेके, आग लग गई मेरे सीने। ओके सर। तो हो यहाँ पे फटे बूटे। किस खुशी में भिजवाइए खैरात? अपनी माँ के जेवर बेच के कौन करता है खैरात? तुम कुछ भी कर सकती हो बेला सलाउद्दीन, पकड़ो। बस हम खैरात नहीं उधार रही है। अच्छा, और वो जो पहले 15 लाख का नुकसान हो चुका है वो? नहीं लूंगी मैं तुमसे। मुझे नहीं चाहिए, पकड़ो इसे। क्या करूँ, तुम्हारे पैर पड़ूंगी मैं। नहीं चाहिए तुम्हारे साथ। ये छप्पर फाड़ कर खजाना इसी घर की छत से गिर रहा है। ऑर्डर आया शादी का, इसको दे रहा था कि संभाल के रख ले, कल बैंक में जमा करवा दूंगा। सड़ी बुई तूने ऐसे बनाई है, वैसे तेरी शादी का ऑर्डर आ गया हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, कर लो शादी। लड़की तो आ रही है 2 दिन बाद, अपनी शीरी मंजर कबीना को क्या जवाब दूंगा? कहते ना फ्रेंड बनी थी इंटरनेट पे। जूते मारने बाबूजी ने, सारी फ्रेंडशिप का हलीम बना देना और अम्मी ने सारी फीलिंग्स का कचूमर सलाद। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है कि नहीं। इसी बात पे तो कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज क्यों हो तुम? तुम तो मुझे बड़ा कहा करते थे, बहरी घूंगी कोई भी लड़की मिलेगी कर लूंगा शादी। मैं तो कर लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सम्मी और बाऊजी ने टफ टाइम देना। अगर तुम किसी से मोहब्बत करते तब भी एक्स वाई जी से शादी कर लेते? हाँ जी कर लेता, बाहर में जाए मोहब्बत प्यार और इश्क। मुझे ना बस अपने ख्वाब पूरे करने हैं। सारी दुनिया को ये बताना है कि मैं नाकाम वकील आशिक हुसैन की औलाद नहीं हूँ। ठीक है तो फिर बुला लो। तो बुला लूं, लेकिन ये 3-3 जो चेक पोस्टर लगी हुई है शीरी महल में, इनका क्या करूंगा? अम्मी बाऊजी आशिक हुसैन साहब। मैं कह दूंगी मेरी दोस्त शादी के सिलसिले में पाकिस्तान आई है। संभालोगी ना? फिर पैसे दे दो उसे। हाँ दे आओ, लेकिन खालू खाला को तुम खुद बताना। चीन में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 80 हो गई ना, है 2000 से पहले ही छोटे छोटे नुकसान। वायरस का फैलाव जारी है, तो जुकाम नजले ने बर्बाद करता है ना। कैनेडा से किसी और मुल्क की जो तेरी सहेली नहीं थी आ सकती? अब उस मुल्क में सिर्फ आपका बेटा तो नहीं रहता ना जिसने आपको नुकसान पहुंचाया फाइनेंशियली और इमोशनली। छोड़ ना फ्रॉडियन, ना ले आकर मेरे सामने।
तू दस तेरी सहेली क्यों आ रही? ना सहेली, वो बेला की है और सिफारिशें तू कर रहा है उसकी। खानदान का हदूद अरबा बताओ। अब्बा जी मैं बता चुका हूँ कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। तो तू क्यों बाप बन रहा है उसका? मैं कहाँ बन रहा हूँ, बेला बन रही है उसकी माँ। वो बाबूजी मेरी स्कूल की सहेली है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, उसका रिश्ता ही नहीं होता, बात ही नहीं बनती। अब दो रिश्ते यहाँ मिले हैं तो वो देखने के लिए आ रही है, तो मैंने कहा मेरे पास ठहर जाओ, मेरे पास तो गेस्ट रूम भी है ना। देख ले पुत्र, जवान कुड़ी दी बड़ी भारी जिम्मेदारी होती। रिश्ता वो अपने लिए ढूंढ चुकी है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? टेंशन में हम नहीं है बेटा, टेंशन में तो तू है भाई, सहेली बेला की है, पसूड़ी तुझे पड़ी हुई है। हाँ तो बेला ने ही मुझे कहा है कि आपको समझाऊं जाके, ज्यादा बैठ के करने की जरूरत नहीं है उसके साथ। देखो बताओ इसको, नाम मेरा आशिक हुसैन है लेकिन दूसरों की माँ बेटियों को कभी गलत निगाह से नहीं देखा मैंने। उसे तो बात करना ही फजूल है। ले भाई मान ना मान, मुझे इस झूठ का चक्कर लग रहा है, मैं बता रहा हूँ मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अच्छा जी, जी भी घन चक्कर में डाल दिए। क्यों, खाला और खालू को तुम्हारी सहेली हजम नहीं हुई? नहीं तो अजमे की पक्की दे आया हूं, अभी कॉल आएगी लड़की। बहुत तेज चल रहा। जाहिर है भाई, एजेंट के पास पैसे पहुंचे तो प्रोग्रेस तो शुरू करवानी थी ना उसने। है अच्छी तरह समझा के बुलाना उसे। वो मोहतरमा तो मुझे समझा रही थी कि सिर्फ एक हफ्ता है उसके पास, जो करना है हमें ही करना है। हाँ, हमें जो भी समझ आएगा हम कर लेंगे। ये तुम बूटा और बब्बू जलेबी सेंटर का फेसबुक पेज बना रही हो? जाहिर है, तुम्हारे जाने के बाद मैं ही संभालूंगी ना। वाह भाई स्टाइल तो देखो। बासु कुमार जी, बाबू जी मुझे आपका कितना बुखार करता हूँ। आप बैठे बैठे बैठे। जाके खा लें फिर कोई फक्की। हाँ और बाबूजी फक्की के साथ साथ पाई का शोरबा जरूर पीजिएगा। बिल्कुल, और बुखार शोरबा कोई चबल ही पींदा होगा। सुना है चाइना ने ना सारे मुल्कों की फ्लाइटें बंद कर दी हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो आपका कौन सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार चल रहा है? रहा ना झूठ का झूठ, बिजनेस की तालीम मुकम्मल कर ली होती तो कुछ पता होता ना। बेटा जब एक मुल्क में गड़बड़ होती है तो उसके असरात पूरी दुनिया में पड़ते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी सुनी कि नहीं? ओए ओए तेरी सहेली आ रही थी। अब मेरी सहेली नहीं बाऊजी, आपकी बालूशाही की। खुदा का वास्ता बाऊजी, जाके दवाई खाएं आराम करें। हेलो, गया तो ऐसे जैसे कोई इंटरनेशनल कॉल आई हो। बालू है पर बुखार दवाई दे दे। परहेज क्यों नहीं करते आप बाबूजी? कुछ नहीं हुआ है, मैं आपको ले जाती हूँ। आ जाए, ये रहने दें, लाए आ जाए, आराम से आराम से। अरे यार वाह, टीवी पे तो हर तरफ कोरोना ही कोरोना चल रहा है। जब किया रे दुनिया को छोड़ के इस
चक को छोड़ के मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे हो पिया पिया रे रैकेट तूने पारे शब्द से की है ना सारी चिट्ठियां डाल दी है तूने शीशों पे साफ ही नहीं हो रहे निशान आपा मेरी नियत तो साफ ही करने की थी अल्लाह की शान है भाई वो बेला की सहेली आ रही है बल्दिया के चेयरमैन ए जड़ी गल्ला दी गालड़ है ना इसको संभाल के रखना उस कुड़ी के सामने किसका क्या जुबान मेरी जुबान से अगर इतना ही मसला ना तो मैं चार दिन के लिए मुंह कर जाता हूँ सियालकोट को अपनी पुप्पी जी के पास वो वकील साहब जाने से पहले एक अल्ट्रासाउंड करा दीजिएगा बाबूजी का अल्ट्रासाउंड क्या करवाना भाई वो तो स्कैनिंग कर देते हैं डॉक्टर की सवाल जवाब करके रॉकेट गेस्ट रूम के पर्दे लाए हो धोबी से मैं जा ही रहा था वो आपने सफाई पे लगा दिया तो नाम क्या तेरी सहेली का ये जो आ रही है ये लो भाई तुम्हारी सहेली हिना के रूम की चीजें वो खालूजान मेरे दोस्त का नाम हिना है मेरे फाजल दोस्त बासम हुसैन सहेली तेरी है कि उसकी कमाल करते हैं अब्बा जी गिनके चार ही तो सहेलियां हैं उसकी उनके नाम भी ना पता हो मुझे लो ए गल्ला छोड़ो बाऊजी को डॉक्टर के पास लेकर जाए तबीयत बड़ी खराब रही है रात उनकी क्या हुआ बाऊजी को खाला ने बताया क्यों नहीं है ओ भाई सुबह 9 बजे फ्लाइट है ना की 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचना वो तुझे बड़ी टेंशन है भाई उसकी सहेली की हैं इसको अभी से बैठा दे वहां एयरपोर्ट के लाउंज में रॉकेट को क्या सोच के शादी की थी मुझे पूछा था किसी ने ओए ओ देख ले ये अपने बाप को झुकते कर रहा है ये तेरी शैबे कोरियां देखो इसकी है तुम्हें भी देखो ना मुझे जान लो और मंगवाएं रॉकेट से सिरी पाए और चोरी चोरी खाएं ना नले पुत्र उल्टी आ रही उल्टी क्यों नहीं आएगी उल्टी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तबीयत तो खराब होगी ना और देखिए मेरी सहेली भी तो आ रही है हाँ सहेली तेरी आ रही मेरी तो नहीं आ रही ना लेकिन सारा ध्यान आपकी तरफ रहेगा ना मेरा खाक टाइम स्पेंड करूंगी उसके साथ चले उठे जल्दी करें गाड़ी में बैठे किस खुशी में बैठे अपनी जबान में समझा लो उन्हें कि आज तो हर हाल में डॉक्टर पे लेके जाऊंगा मैं ओए चिट्टे कुकड़ हजार बारी तेनू समझाया है अंग्रेजी दवाइयां सूट नहीं कर दी मैनू जी और वो पुड़ियां तो बड़ी सूट करती हैं आपको जो खा के हर तीसरे दिन बिस्तर पे पड़े होते हैं बासिम तुम गाड़ी स्टार्ट करो अगर किसी को अपनी बालूशाही से मोहब्बत होगी ना तो इनकार नहीं करें मोहब्बत दी मार मार दी है मोहब्बत होगी फटा जुती हाँ मैं आ गया किधर गई ये ले ये ले एक कोई वाली करा लो जिनने एक टेस्ट कराने ने मैं रोज रोज नहीं जाना अस्पताल ले आ जाए आ जाए बनाओ आराम से मैं तो कराने छोड़ता हूँ ना आसिम मैं अकेली सब कैसे संभालूंगी अकेली कहाँ हो अम्मी अब्बा होंगे ना तुम्हारे साथ हाँ लेकिन तुमने तो यही कहा था ना वहां जाओगे तो बुला लोगे उनको हाँ तो तुम भी आ जाना इसी बहाने बाऊजी भी अपनी कसम तोड़ देंगे आसिम जैसी जिंदगी तुम जीना चाहते हो तुम यहाँ भी तो जी सकते हो ना यार बेला मैं बाऊजी के परों के नीचे दुनिया को वैसे नहीं देख सकता जैसे मैं देखना चाहता हूँ यार आसिम जिंदगी वही खूबसूरत होती है जहाँ अपनों की मोहब्बत हो इस दौर में कैसे फासले लो आ गई ह्यूस्टन से कॉल पहुंच गई होगी इतना ऐसे तुम भी रास्ते में रहना हेलो अब नहीं मामूजी बाऊजी की तबीयत ठीक नहीं है अल्ट्रासाउंड के लिए गए नहीं सदाकत मामू से तो पिछले 3 दिन से कोई बात नहीं हुई अच्छा जी ठीक ओके अल्लाह हाफिज़
टेक्नोलॉजी इतनी भी तरक्की कर लेना, अपनों के साथ जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। बाऊजी, आओ ये। बाऊजी। मैं डॉक्टर नू गया, मैं दवाई नहीं खानी। बैठा दे मेरी बालूशाही, मेरा ख्याल रखेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। जी, लेकिन ये इमोशनल स्टंट डॉक्टर्स के सामने नहीं चलेगा, दवाई तो खानी पड़ेगी। की मतलब है तेरा है? मैं नहीं खानी था। खानी पड़ेगी। बासन से बात हुई है, कितने देर में पहुंच रहे हैं? फ्लाइट तो लैंड कर गई थी हाला में, पहुंचने ही वाले होंगे। चल ना जाए, आज जल्दी कर ले। वैसे तुम दोनों में से कैंडिडेट कौन है? आपको कौन लग रहा है? मेरी तरफ से तो कोई भी हो, doesn't matter। मैं हूँ बासे। तो नर्वस तो तुम ऐसे हो रहे हो जैसे तुम्हारी सचमुच में शादी हो रही है। और तुम तो ओवर कॉन्फिडेंट ऐसे हो रही हो जैसे रोज का काम है तुम्हारे लिए। ऑफ कोर्स, पेपर मैरिज बिजनेस है मेरा। लेकिन ये बिजनेस पता नहीं लगना चाहिए मेरी फैमिली को। तो बेटा जी, इसको ना जल्दी जल्दी वाइंड अप करना, नहीं पता चलेगा किसी को भी। चल गाड़ी चला। वो जो लड़की सामने खड़ी है वो तुम्हारी फ्रेंड है बेला। I know, तुमने पिक्चर भेजी थी। बेला, हिना, बेला, how are you? कैसी हो? आओ मैं सबसे मिलवा। वाओ, ये तुम्हारी फैमिली है? Oh, wait a minute. और आप हैं बाऊजी? वाओ, कितने डैशिंग हैं आप। आशिक हुसैन एडवोकेट। बेला ने बताया तो होगा। वाह बेला, तुम्हारे पेरेंट्स कितने यंग हैं। बेला के तो पेरेंट्स की डेथ हो गई है। हालू जान, हाला अम्मी, आप दोनों मेरे पेरेंट्स की तरह ही तो हैं। आओ अंदर चलते हैं। शिट ओमी, कनाडा तो आने वाले मेहमानों की पाबंदी है थे। तू साड़ी बालू शाही दी सहेली है। As well, you are welcome, welcome. Who's बालू शाही? मैं बताती हूँ आप। Boss, be very careful. मैं बता रहा हूँ। पकड़े गए ना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। क्लासिकल किस्म की ठोकाई करते हैं बाऊजी। जब तक मैं बाहर नहीं जाता ना, रोज सदका दे मेरा। बस से मेरे पेरेंट्स का नहीं पता था तुमने? यार, एक दिन में जितना रटवा सकता था रटवा दिया। तुम मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। मेरी बात सुनो, मैं तो कहता हूँ तुम साए की तरह उसके साथ रहो। हाँ, और खालू जिन की तरह वहाँ पहुँच जाएंगे। वैसे वकारा झाड़ने का उनको बहुत शौक है। तो फिकर ना करो, बहुत ही पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो। मैं क्या, सॉरी, आई मीन बेला ने बताया तो होगा कि बहुत से केसेस लड़े हैं मैंने। दुआ कर ना ही दसिया हो। Yes, yes, she told me. What she told you? That बहुत सारे केसेस लड़े हैं इन्होंने। हाँ, लेकिन इस केस में तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहे हैं ना वो। इंशाल्लाह यहाँ भी हारेंगे। माँ की आशिक रख लिया, आशिक बन गए ने। क्या बेला, अजीब लड़की हो तुम भी। वहां उस लड़की को अपने खालू की अदालत में छोड़कर यहाँ बासिम के साथ बैठ के गिटमिट कर रही हो। मैं आ रही थी बस खाला। हाँ चलो। ओए काके, उस लड़की से जरा दूर ही रहना, बहुत ही कुछ चलता पुरजा लग रही है मुझे।